हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज मैं आपको बताती हूँ मैं आज आपको क्या सिखाऊंगी। ये इयररिंग है, एक इयररिंग मैंने बना दिया है, दूसरा इयररिंग मैं आपको दिखा के बनाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ ये इयररिंग कैसे बनेगा। पहले हमें ब्लू पार्ट बनाना है। तो क्या करना है, ये दो फिंगर में हमें धागा 6 बार रोल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके का हमारा एक रिंग टाइप बन गया है। तो इसके अंदर हम क्रोशा डालकर आर पार हमें स्लिप स्टिच बनाना। पहले एक चैन बनाएंगे, उसके बाद हमें इसमें 30 स्लिप स्टिच बनाने हैं, सॉरी सिंगल क्रोचेट। 1, 2, 3, इसी तरीके से इसके अंदर हमें 30 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए हमारे ये 30 बन गए हैं, और इसे हम यहाँ जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। तो आप देखिए हमारा ये सर्कल बन गया है, और हमने इसमें एक की चैन ले ली है। जिस तरीके से हमने ये 30 सिंगल क्रोचेट बनाए थे, उसी तरह 30 में हमें 30 ही बनाने सिंगल क्रोचेट अगेन दोबारा से। 1, 2, 3, इसी तरीके से हमें ये लाइन दोबारा कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, और इसे हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। अब हमें 1 की चैन लेंगे, और इसमें हमें डबल क्रोचेट बनाना है। 1, नेक्स्ट में बनाएंगे 2, फिर तीसरे में हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2। अब इसी तरीके से हमें एक के अंदर एक एक क्रोचेट बनाना है डबल क्रोचेट, और एक के अंदर जैसे ये 2 एक एक क्रोचेट बन गए। अब तीसरे में हमें एक ही के अंदर 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए 1 डबल क्रोचेट 1 डबल क्रोचेट। अब एक के अंदर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं इसी वाले उसमें। तो इसी तरीके से हमें एक के अंदर एक एक बार बुनेंगे, और तीसरे में हमें 2 बार बुनना है, और इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड पूरा हो गया डबल क्रोचेट वाला। अब इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ दिया अब हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो लाइन बनानी है सिंगल क्रोचेट बनाते चलना है पूरे उसमें। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये डबल क्रोचेट के ऊपर जो सिंगल क्रोचेट की हमें लाइन स्टार्ट करनी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और यहाँ हम कट लगा देंगे, थ्रेड को कट कर देंगे। ठीक है, इस धागे को हम अभी अंदर करेंगे, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा सर्कल बन गया है, इसके आर पार हमें ये धागा निकालना है, ये हमें कट साइड जो है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें रिंग के ऊपर ये 2 उंगली लेनी है, और ये हमें 6 बार उसी तरीके से निकालना है। 1, 2, 3। देखिए ये 3 बार हो गया, कोई बात नहीं, छोटा पड़ गया, आप इसको घुमा सकते हैं। ये हो गया हमारा 4। ये हमारा हो गया 5। ये हमारा हो गया 6 बार। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जिस तरीके से हमने ब्लू वाला स्टार्ट करा था, इसके अंदर हमें क्रोशिया आर पार निकाल के
30 बार इसमें सिंगल क्रोचेट बनाना है, 30 बार। अगर थोड़ा सा आपका कम भी पड़ जाए या ज़्यादा पड़ जाए, ज़्यादा तो नहीं, अगर थोड़ा कम पड़ता है तो एक दो फंदे आप डाल सकते हैं। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और इसे हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जिस तरीके से हमने ब्लू वाला बनाया था, सेम ये भी उसी तरीके से बनाना है। अब इसमें जो सेकंड राउंड स्टार्ट करना है, पहले एक की चैन लेते हैं और हर एक एक के अंदर हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है हर एक में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये हमें लास्ट ये सिंगल क्रोचेट बना के स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर हम एक की चैन लेंगे। तो अब हमें इसमें बनाना है डबल क्रोचेट एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर तीसरे में हमें दो डबल क्रोचेट एक साथ बनाने हैं। जैसे हमने ब्लू में बनाया था सेम वैसा ही प्रोसेस इसमें रखना है। फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, एक डबल क्रोचेट, और तीसरे में हमें दो डबल क्रोचेट एक साथ बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया डबल क्रोचेट का। तो इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया और हमें अभी लास्ट लाइन बनानी है। एक की चैन लेते हैं और हर एक एक के अंदर हमें सिंगल क्रोचेट बनाते हुए चलना है, जैसे हमने ब्लू में बनाया था सेम उसी तरीके से। तो आइए इस राउंड को पूरा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। देखिए इस धागे को हमें किस तरीके से अंदर लगाना है, हाइड करना है हमें इस धागे को। बहुत सिंपल है, क्रोशा से अंदर की साइड कहीं भी आप लगाते जाएँ तो ये दिखता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें इयररिंग हुक लगाना दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा हुक है और इसका थोड़ा सा यहाँ से माउथ खुला हुआ है, इसको आप यहाँ पे अटका दें, इजीली हो जाता है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इयररिंग रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये पासे हैं ये जो दोनों, इसको हमें नीडल से हमें इसको ज्वाइन करना ताकि ये हिले नहीं। तो यहाँ से आप थोड़ा इस तरीके से लें कि ताकि ये कोई सा भी थ्रेड ले लें दोनों में से, तो इसको हमें ज्वाइन करना है जिससे ये हमारा पासा हिले नहीं। देखिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ फिर। तो देखिए हमने यहाँ से इसको अटैच कर दिया था, स्टिच कर दिया था। अभी हमारा इयररिंग रेडी है। तो देखिए ये आपको इयररिंग कैसा लगा, दोनों ही पासों को आपको इसी तरह से बनाकर रेडी करना है और ज्वाइन कर लेना है। तो बताइए कैसे लग रहे हैं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वॉच मेरा फुल वीडियो वॉच करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको ये इयररिंग कैसे लगे। तो थैंक यू सो मच।